वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा मेरी जान, संत श्री अकाल गुरु गोबिंद सिंह जी की महाराज की जय। जैसे जय घोष के साथ बड़वानी शहर में सिख समाज का नगर कीर्तन निकाला गया। गुरु सिंह सभा द्वारा सरवंशदानी दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व कल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसी के चलते आज नगर में जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। जुलूस में बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुष युवा व बच्चे शामिल रहे। जुलूस के दलेर तरन तारण पंजाब के गतका दल द्वारा आकर्षक शौर्य कला का प्रदर्शन किया गया। हैरतगंज कलाबाजी देखने के लिए जगह जगह लोगों का मजमा लग गया। इसी मौके पर समाज की लड़कियों ने भी अपना राण कौशल दिखाया। एसपीएस बाटिया ने बताया कि इस बार 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का 352वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं और गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी बहुत गर्व से याद करते हैं और उन्होंने अपनी फौज को शौर्य कला में पारंगत किया है। ये आज जो पर्व मनाया जा रहा है, क्या कहना है सर? ये हम लोग हमारे 10वें गुरु साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 352वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं। पूरी ही बड़वानी संगत, पूरे ही हर धर्म के लोग इसमें शामिल हैं। इसमें लगभग हम लोग 5-6 लंगर भी कर रहे हैं, जिसमें पूरे समाज के इकट्ठे होते हैं और गुरु साहब की वो पूरी जीवन कथा, जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए अपने पिता की कुर्बानी दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपने माता की शहीदी दी, उनको हम बहुत ही गर्व से आज याद करते हैं और उनकी याद में ये पूरा ही प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जो ये काफ़ी खतरनाक स्टंट करते हैं, उसके बारे में? इसके लिए तो इतना ही कहा जाएगा कि गुरु साहब की जो फौज थी, उन्होंने हमेशा ही उसको सक्षम रखा है। हमेशा ही कुश्ती, गतका और अन्य तरह की शौर्य कला सभी में उनको पारंगत किया है कि किसी भी समय कोई भी दुश्मन आ जाए, उसका डटकर मुकाबला करें। केवल अधर्म के विरुद्ध ही लड़ाई लड़ी है उन्होंने। कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, वो सभी अधर्म के विरुद्ध लड़ी है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, मजलूमों की रक्षा के लिए ये सारे युद्ध उन्होंने किए हैं। किसी भी जमीन के लिए नहीं किए, किसी किले के लिए नहीं किए, केवल धर्म रक्षा के लिए किए हैं।